सुने और बड़ा लोकप्रिय भल महाभारत टेलीविजन पे आप देख लें, सारी चीजें आपको टेलीविजन पे देखने को, लेकिन बहुत सारी चीजें छूट भी गई। मैं जो चीज आपको सुनाऊंगा वो टेलीविजन पे देखने को नहीं मिली और बड़ी बेजोड़ बात मिली है गाना में। बस खाली ध्यान से सुनत चले हैं, आपके आनंद मिली और दास्तान तो महाभारत की लड़ाई खत्म भेले की बात कहो, लेकिन जरा गौर करें तो चल के दाता ध्यान देंगे अच्छी बात है। परम तत्व अविनाशी ज्ञान, परम तत्व अविनाशी ज्ञान बताए अर्जुन को भगवान, मार दुर्जन को मिलेगा तुझे स्वर्ग का धाम। इतना आपने जरूर देखा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचकर अर्जुन मोह से ग्रसित हो जाते हैं, जिधर देखते हैं उधर अपने ही बंधु बांधव दिखाई दे रहे थे। अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बाण चलाऊं तो किसके ऊपर चलाऊं, सब अपने ही तो दिखाई दे रहे हैं। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मयोग में गीता का उपदेश दिया और भगवान ने कहा कि सुनो, दुष्टों का वध करने से पाप नहीं लगता, लड़ाई के मैदान से पाप पीछे हटाना कायरता है, कर्म करो से पाप नहीं लगता, कर्म करो फल की इच्छा मत करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अंततो गत्वा मुरली मनोहर भगवान कृष्ण महाभारत की लड़ाई करा ही देते हैं। चार लाइन यहाँ, झूमर का भाव तनेकन आउट चढ़त है। कर्म हार हार गए कौरव के परिवार, भैनी बड़ी भयंकर मार हार गए कौरव का परिवार, युधिष्ठिर की बन गई सरकार सभी दीर के सामने, मरल का कौरव कुल अपने में युधिष्ठिर राजा के सपने में, बची ना केहू पांच जने में भूतन के सामने। देखा सौ कौरव मारल गई ने और सौ कौरव भूत बन के सारी रात धर्मराज के नोचे खसोटे। हाँ, मरल का कौरव कुल अपने में युधिष्ठिर राजा के सपने में, बची ना केहू पांच जने में भूतन के सामने, बिना सर के धर करे विलाप युधिष्ठिर लगा है तुझको पाप, कहबा बाप बाप जब जई बा दुर्योधन के सामने, खुल गई आंख दूर भय सपना थर थर कांपे कर कल्पना, गई ले भरम मिटावे अपना मधुसूदन के सामने। और शब्द है आनंद मूल, यही सार शब्द पकड़ने की जरूरत है। वो सार शब्द क्या है जिसे भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता के उपदेश में अर्जुन को दिया था? सार शब्द है आनंद मूल, आत्मा जिसका किया कबूल, बनारस चौका घाट स्कूल बनारम मन के सामने, जरा भाव समझते चलें। महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई, सौ के सौ भाई कौरव मारे गए, पांडवों की विजय जरूर हो गई, युधिष्ठिर की सरकार बन गई, लेकिन धर्मराज सारी रात भयंकर सपने देखे। सपने में कहा देखें कि सौ कौरव भूत बनके बिना सरके धड़ करे विलाप युधिष्ठिर लगा है तुझको पाप, कहबा बाप बाप जब जईबा दुर्योधन के सामने, बिना मुड़िए कई धड़ अंगुली दिखा दिखा कहे कि तुम पांचों भाई पापी हो और तुम धर्मराज कहलाते हो, उन पापों पांचों में सबसे ज्यादा पापी तो तुम हो। भयंकर सपने देखे, सवेरे नींद खुलल, भगवान कृष्ण से जाके लगने कहे कि हे मधुसूदन, आपने तो कहा था कि दुष्टों का वध करने से पाप नहीं लगता,
लेकिन सारी रात कौरव भूत बन करके मुझे डरवाते हैं, चमकाते हैं और बार बार यही कहते हैं कि तुम पांचों भाई पापी हो। भगवान कहने तो कौन बेजा कहना, पापी तो तुम लोग है हुआ। लेकिन कौन तर्ज में कहे भैया, आप लोग ये तर्ज सुन ले उन्हें कि सुन लिया है सब मैंने, सुन लिया है सब मैंने जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। सुन लिया सब मैंने जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। गैर से मोहब्बत है, गैर से मोहब्बत है, दर्द का बहाना 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 है। मैं खाने जब जा रहा हूँ, जब जाऊं लौट के चलाया, ज्यादा मैं खाने के लिए का जरूरत है कहा हो, मैं की है जरूरत नहीं, आप खुद पास बैठिए, इसलिए कि आपका हसीन चेहरा तो हम लोग कहा है हंसत वहां में चेहरा खुद करा बताना है, खुद करा बताना है, खुद करा बताना है। देखा भाई कौन गलती हो तो क्षमा। भगवान कृष्ण से धर्मराज कहें कि कौरवा सभी मिलके, कौरवा सभी मिलके डराते हैं, सपने में डराते हैं, सपने में डराते हैं, सपने में डराते हैं, कौरवा सभी मिलके, सपने में डराते हैं, सपने में डराते हैं, सपने में डराते हैं, कौरवा सभी सभी मिलके स्वप्न में डराते हैं, पाप का कलंक सर मेरे रात भर लगाते हैं, रात भर लगाते हैं, रात भर लगाते हैं, रात भर लगाते हैं, पाप का कलंक सर मेरे रात भर लगाते हैं, रात भर लगाते हैं, रात भर लगाते हैं। कल धर्म राज के सबसे कुल बार का है, हे भगवान अपने ही बात करे रला, पापन के बदके ने से पाप ना लगत, आई पाप मन के कपारे पर लग कहां से गयल। कहने की देखा भाई, कहले तो जरूर हम रहे लेकिन जब के जैसन बेला रहे तब के तैसन बात रहल, ई बात कहलो टाइम जरूरी रहल, लेकिन आज कहलो के कपारे पर पाप ना गेरे, अभी तक कौरव भुवन के पापी बनावते हैं, अब आपको कहत हुआ कि पाप नाचत था। कहने की अभी सपना में कौरव कहत रहा हम कहत है, अब बस देखत देखत तुम्हें सारी दुनिया पापी बनावे लगी। पापी तो तुम लोग भैया हुआ, एलिए पापी हुआ कि एक तरफ सौ के सौ दुष्ट जरूर थे, पापी जरूर थे, पापियों की हत्या आप लोगों ने किया वो बात ठीक है, लेकिन दूसरे तरफ ये क्यों भूल रहे हैं कि सौ के सौ आप लोगों के सगे भाई थे। तो जे भाइयन का हत्या करे, भाई का हत्या करे वाले से बढ़ के पापी ये दुनिया में क्यों ना बा, क्योंकि आप लोग सौ भाई इनका हत्या के लिए हुआ ए नाते तहनों के सर पे पाप नाचत हो। हाँ जोड़ हमें धर्मराज कहे अच्छा प्रभु ये तो बताइए इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है। कहना हाँ उपाय पत्र तो हम जरूर बता दे, लेकिन जब के जैसन बेला रहे तब के तैसन बात रहल, तेरी के अंदर भाव आए तैसन खेला तुहके,
केशव कहे युधिष्ठिर जब के जैसन केशव कहे युधिष्ठिर जब के जैसन बतवली तैसन केला सब खियावा बचन कोई धनी कंगाल चंगी घंटे के आकाश में जब सात देर बाजी महिपाल मिट जाई कुल भूत भावना सत्य नाम के जन्म पाल की एक सहजे में राज सुख ना भोगे परिवालो। अरे भाई इतना खून खराबा भेल इतना कतलेआम भेल सौ सौ भाई मारल गई ने और राजा बन के चाहत वाला कि हम ऐसे ही राज सुख भोग ले कुछ यज्ञ पुण्य करा एक काम करा एक विशाल यज्ञ करवाइए उदय अस्त तक सबे खियावा बचे न कोई धनी कंगाल कई घंटे प्रकाश में जब सात बेर बाजी महिपाल मिट जाई कुल भूत भावना सत्य नाम के जरी मसाल। भगवान कहने की यज्ञ करवाइए और इस यज्ञ में दुनिया भर के लोगों को भोजन कराइए। एक शर्त है आकाश में एक घंट टांगना पड़ेगा भोजन के पश्चात घंटे से अपने आप सात बार टन टन की आवाज निकलेगी आप लोग पाप से मुक्त हो जाएंगे। कहने जैसा आपका आदेश भगवान कृष्ण का आदेश मान के धर्मराज यज्ञ फांदे ले और यज्ञ के निमंत्रण पत्र चारों तरफ घूमे लगल बस हम हुए थे तर्ज बदल देनी पिया नीर मोहिया हम मछरी खियावला भैया ज्ञान वाली गिर रही सहूर वाली सौरी प्रेम मके तोरी ना दिखावे खेलवा मछरिया से खेलवा मछरिया से जिया देखें कैसेट रिकॉर्डिंग सेंटर सिधारी चौक आजमगढ़ इनके तरफ से ₹5 का पुरस्कार मिला देखे धन्यवाद बाय खरी खियावेला दूसर का अंतर वाले कैसे बोले ना कि गंगा जमुना के निर्मल पन्या निर्मल होत सरी पांच जाने के काम क्रोध लोभ मोह मत्सर यह फंसावे को कोशिश करना इतक कर्ज के लाइन रहल लेकिन जरा गाना के भाव पर गौर करी है भगवान कृष्ण का आदेश मान कर धर्मराज यज्ञ फान देते हैं और चारों तरफ यज्ञ का निमंत्रण घूमने लगा जहनवा में पाती घूमे लागल यज्ञ के जा घूम लागल यज्ञ के
न्योता घूमल तीन लोक चौदह भवन अब रोम नारी रण में जेकर मर गई न सजना दुख में दबावे दोनों हाथों से छाती घूमे लागल यज्ञ के उनके यहाँ भी निमंत्रण भेजा गया जो कुरुक्षेत्र के मैदान में शहीद हो गए थे कुर्बान हो गए थे उनकी विधवाओं को पता चला छाती दबा दबा के आंसू बहाने लगी। लेकिन भाई साहब धर्मराज के इस यज्ञ में दुनिया भर के लोग जुटकर भोजन किए भाव देना पड़ा कि सारा संसार कैलस द्वार पर भोजन एड़िया ऊंचा के सब ताके समाना दुनिया भर के लोग धर्मराज के इस यज्ञ में भोजन किए लेकिन सबकी नजर उस घंटे की तरफ जाकर टिक गई इन्हें की अजीब सा जिज्ञासा रहल घोषणा पहले से रहल कि घंटा से अपने आपे सात बार टन टन का आवाज निकली ये लोग सोचे कि घंटवा कब बजी और कैसे बजी लेकिन भयल का कि ना ही बाजल घंटा ना ही बाजल घंटा खाना हो सत्तर नजर घंटा के तरफ निकल रहल लेकिन घंटा ना बाजल जब घंटा ना बाजल धर्मराज जाके भगवान कृष्ण से कहने कि हे प्रभु आपने कहा था कि भोजन के पश्चात घंटे से सात बार टन टन की आवाज निकलेगी सात बार तो दूर रहा घंटा एक बार भी नहीं बजा भगवान कहने की ना बाजी कहेंगे रे आपे कलरवा किए घंटा टांगा घंटा अपने आप बाजी और कहवा के ना बाजी कहना हाँ कहले तरली जरूर लेकिन ये घड़ी घंटवा ना बाजी कहे ना बाजी कहना सब लोगों ने भोजन कर लिया कहे हाँ महाराज सबने भोजन कर लिया कहने की के ऐसा महापुरुष बा जेकरे खैले बिना ये घंटा ना बाजी तो भगवान बताओ तुम कि वो कौन सा महापुरुष बाकी है जब तक भोजन नहीं करेगा तब तक घंटा नहीं बजेगा काशी सुपज डोम सत्य नाम के पुजारी काशी सोपज डोम सत्य नाम के पुजारी वह खई है घंटा बाजी कहाँ बनारी भगवान की काशी में भगवान कृष्ण बताते हैं कि काशी में महान संत सदगुरु सोपज डोम है जब तक सोपज भोजन नहीं करेंगे तब तक ये घंटा नहीं बजेगा और आप लोग पाप से मुक्त नहीं होंगे। अब एक समस्या खड़ी हो गई कि आखिर हस्तिनापुर से काशी सपत को बुलाने कौन जाएगा तो जे तनी मोट झोट रहला ताकतवर रहला बली भैया नियर वही के तरफ सबकर नजर जाले ताकतवर रहले मोट झोट रहले धर्मराज के नजर भीम की ओर गई कहने की बिना तोरे ये काम क्यों कह ना पाई एक काम करा भैया चल जा तनी तू काशी से संत सपत डोम के बुलो ले आवा जब ले उना खे तब ले घंटा ना बाजी और हमन पाप से मुक्त ना हो जाई भीम जब सुन ले की डोम संत के बुलावे बा तो भीम की भावना खराब हो गई मन में सोचे लगने की अरे कि डोम का जात कितना बड़ा संत हो गए कि जब ले उना खाई तो ले घंटा ना बाजी अब वो भीम की भावना कलुषित हो गई लेकिन भगवान कृष्ण और धर्मराज का आदेश मान के चल रहे बुलाओ बदे बनारस में चलने बुलावे उनके अब भीम उत्पाती घूम लागल यज्ञ के जहनवा में पाती घूम लागल यज्ञ के जहनवा में पाती
देखे भाई एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। गदा उठा के जब बनारस पहुंचने तो भैल का कि भीम भयंकर गदा उठा कर काशी नगरी छाना, भैल सुपद से भेंट घोर पर बीनत रहा दाना। अब बतवली तैसन खेला तुहके यार साल लगे सदगुरु नाम के मेला, बतवली तैसन खेला तुहके भाई साहब। भीम संत शब्द को बनारस में पहुंचकर पूछने लगी, भैया यहाँ डोम के उस संत बा जैसे पूछे बड़े प्रेम से लोग बड़े श्रद्धा भाव से बताओ कि हाँ भाई संत सपज महान संत हैं, लहरतारा में मिलेंगे आपसे। भीम सोचे लगने के रे बहुत बड़ संत बा का भाई, यही तो पूछे थे वह बतावत बाओ कर नाम। जब लहरतारा में पहुंचना है तो उनके कौने रूप में पौले दो चार आदमी से पूछ लें, एक जानी कहें भैया चल जाओ आगे कुछ दूर उनकर कुटिया है, जब कुटिया के लगे गए ने तो ना देखे ने एक जानी बतौने की चल जाओ थोड़ा अगवा देख लिए थे घूर के तरफ जा चलना, जब जाए देखे तो घूर पर राखी चार के दाना भी नत बाणे। भीम कहना यह बड़का संत हूँ खेले बिना मरद बाणे राखी चार के दाना भी नत बाणे, और हमारे यहाँ न जानी कितना लोग खाए खाए के नाना तरह के पकवान बनल पेट चुराओ ढेकरत गई नहीं खेले बिना मरत बा, कितना बड़ा संत बा भाई। भीम का भावना खराब हो जाती, जाके भीम कहने की का महाराज, भीम कहने का महाराज अरे कौन एकदम फल हुआ, अरे देश भर के लोग जुट के हमारे यहाँ नाना तरह के पकवान खाए के ढेकरत गई लात पुराओ तो खेले बिना मरत हुआ है, है। चला 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 ऐसा ऐसा खाना तुम्हें तो खियाए जो जिंदगी में कब आंखी न दिखले होगा, है बोला तू कहना कि दिन भर दाना बिंबा एक को छटा के एक को पाव ना बटोर पैबा खेले बिना पटपटा के मर जाइबा। संत सुबह उनकी ओर कनखिए तकले और एक बात अपने काम में लग गए धुन के पक्के। भीम कहना की टेढ़िया मत ताकत बड़ा गुस्सा है कि हम बुझे इतवार मतलब भुखार बड़ा भूखेले में क्रोधो ढेर आवेले, तो कहत है कि ऐसा खाना खिया है जिन कबू आंखी ने देख ले होगा। तब संत सुपत कहना है कि जाओ बेटे तुम अपना रास्ता देखो मुझे परेशान मत करो, हमारा रास्ता और है तुम्हारा रास्ता और है ना भैया। तर्ज बात कौन है तर्ज में संत सुपत भीम से कहत हुए कि दिल लूटन वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है, प्रेमियों। लेकिन भीम से संत सपद कहते हैं कि अनमोल रतन के अनमोल रतन के राहिन को दरबार में जाना मुश्किल है, कहले कि सार शब्द तक सार जगत में पार के पाना मुश्किल है, अनमोल रतन के राहिन को दरबार में जाना मुश्किल है, सार शब्द तक सार जगत में पार के पाना मुश्किल है। वो सार शब्द क्या है प्रेमियों जरा गहराई से पकड़िएगा, ये सुंदर सा रूप आपको मिला है जिस रूप को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। कहते हैं बड़े भाग मानुष संतावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, वो चार शब्द वही है जिसे तुलसीदास ने लिखा कि करी में केवल नाम आधारा आजो नर गहस उतर ही पारा, वो नाम सार शब्द है जिसकी डोर पकड़ कर आप संसार सागर से पार कर सकते हैं, वो ऐसा टकसार है ऐसा खजाना है कि चाहे तो बकुला को भी हंस बना सकता है। भीम कहेंगे अच्छा संत सुबह भीम से बता देने संख्या तक की तुरे दरवाजे पे कितना लोग खेले हों हमके मालूम बा, 80 अरब कुछ कम करोड़ तेरे घर खाया सारी को तब घंटा नहीं बजल ईजय है नहीं सुदर्शन डोम। उनका एक नाम सुदर्शन डोम भी रहल कहने ये लिए ना जाब
कि रंडी राजा के, अरे रंडी राजा के दरवाजे पर भोग लगाना मुश्किल है। जाओ बेटे मुझे परेशान मत करो, मैं राजाओं के यहां और वेश्याओं के यहां नहीं जाता हूं। भीम सुन ले जब इतनी बात, मारे क्रोध में अंदर अंदर जल लग रहे कि राजा और वेश्या दोनों संगम में जुड़त बा। ये अपने की कितना बड़ा संत समझत बा, डोम का जात फेरे बिना मरत बा, राखी कार के दाना बिनत बा, और कहत बा कि राजा और वेश्या के यहां हम जय बन करें। मन में भीम के का भावना होते क्या? कि भीम गुने अपने मन में एक गदा इन्हें हम मारी ता। जो बनी भावना भीम के भीतर सुपच सुदर्शन गई ले जा। जो सच्चा सदगुरु होगा वो तत्वज्ञानी जो होगा वो तो सारी बात मन की जान जाता है। भीम मन में सोचने की बड़का संत बना तो मारी थी, एक गदा तान के घोड़े पर दातनीपुर के मर जाते हैं ना जी राज दरबार में। भीम मन में ही बात सोचने, लेकिन संत सुबह समझ गए कि भीम मन में का सोच तथा तक कहने की, सुनो बेटे कि जिन कर मनना भीतर चंगा गंगा फल पाना। रविदास ने लिखा है प्रेमियों कि मन चंगा तो कठोतिन गंगा, कहने की जिन कर मन ना भीतर चंगा गंगा फल पाना मुश्किल है। सोचे लगे संत सुबच की बड़ा अहंकारी मालूम पड़ बा, कहने की अच्छा घबरा मत हम तोरे संगे चलब। सोचने की एक अहंकार इसने ढंग से चूर कह दही, कहत का हमें कहे सुबच जब चला चलब 10-5 मिनट में आ गई ईले के सुमिरनी चला मोर पहरे में तो है भेदा जई में। गले के माला उतार के जमीन पर रख जाना, कहने की एक काम करा हमारी माला लेके तनी तू आगे बढ़ा, अपने हम आश्रम के व्यवस्था बना के आओ थई और रस्ते में तुझसे मुलाकात हो जाई। माला जमीन पर रख के पिछोड़ भई ना संत सुपज और भीम मारे क्रोधन सोचत बाणे की के पता ना कि हमरे कितनी ताकत है। लोग कहने की 10,000 हाथी की ताकत के बराबर भीम की ताकत रहे। भीम सोचते हैं कि ज्ञान है ना कि हम का चीज है। हमारे घमंड में सोचे लगने कि एक माला इतनी देर तक पहर रहे रहा तो ना गढ़ू लगे पहले जब हस्तिनापुर चले गए भर तीन के माला गढ़ू लगे लगे ले बड़का वजन हमके दे देना ढो बदे। सोचे ना कि झटके से गदा के नोक से मलवा टान नहीं, लेकिन भयल का कि बहुत जोर लगाए भीम से न माला। माला टस से मस नाई होता, इतनी ताकतवर भीम तरतर तरतर लगल पसीना चले लोट के पोट के ठेमिया के एक को क्रम बाकी ना रहल तो थून लटक गल चेहरा एकदम झावर हो गल। सोचे लगन कि रे बाप रे बाप बड़ी वजनी चीज मालूम पड़त बा। तब तक संत सुबज के खाली देखावे के रहल ना, घूम के गप से आगे ने कहे का अरे भी ऐजे खड़ा हुआ। हम तो सोच लिए इतना ताकतवर आदमी बहुत दूर निकल गया होगा, जल्दी हमसे मिलवे न करवा। आ देखत ही तेजे में खड़ा हुआ भाई, धीरे से माला की ओर इशारा अंगुरी से कहना। संत सुपत कहना की का मतलब, जब दोबारा अंगुरी से इशारा कहने तो कहना की बस भाव बा। इतने में आ गए सुपत जा रहे भीम कुलायल ठार, नहीं सुमिरनी उठत बा बद्री विशाल के बनल पहाड़। तो संत सुपत कहने की जब नहीं सुमिरनी उठल भीम तब दिया जलाना मुश्किल है। जाओ भीम अपने भवन
इहान तेरा काम। जहां गदा का गर्व है वहां नहीं सतना। प्रभाव दो, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अहंकारी आदमी, तुम मुझे लेने आए हो तो देखा भाव होने की चाहिए। अगर भाव होता भीम के अंदर तो जरूर लिवा गए होते। भाव के चलते भगवान कृष्ण बिदुरानी के हाथ से केले का छिलका खा गए और केले का गुद्दा फेंक दिए। दुर्योधन का 56 प्रकार का व्यंजन त्याग दिए। तो भाव न होने की चाहिए। भैया भीम धीरे 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 भैया, भीम का मुंह लटक गया। जब भीम का मुंह लटकल तो हमें तर्ज बदल ले ली। आई तर्ज बा बली भैया की जिला वाली मिर्जापुर वाली तर्ज हो। एक मिर्जापुरी चौलरिया कदरी कहना लेकिन बनारस का कचकचवा कहना। 5 रुपया पुरस्कार बा जिला मऊ ना था। उठावे का मतलब समझे। अहंकार कभी इंसान को करना नहीं चाहिए। कहते हैं अहंकार तो ब्रह्मा का भी नहीं रहा। भीम से जब गदा ना उठल संत सुबह झाड़ देना कहना भाग जाओ जल्दी यहाँ से। अरे बेद है बीरह बेदना तनवा, बेद है बीरह बेदना तनवा, भीम के भल पहुंचते भीम धर्मराज पे बिगड़ गए। कहने की देखा भैया ऐसा कुल काम बदे हमें कतो मत भेजल कैली। अरे वो डोम का जात खैले बिना मरत बा, घूर पर राखी टार के दाना बिनत बा, बनारस में ओके क्यों पूछे वाला ना बा। अब इसने आदमी की भेज दिला बुलाओ बदे। पहुंचते हम ओके साष्टांग दंडवत कैली। एक पैर पर खड़ा होके हाथ जोड़ के कहली कि महाराज ये दास आपका दर्शन करने हस्तिनापुर से चलकर बनारस आया और आपका दर्शन अपने पूरे परिवार के साथ अपनी कुटिया में चाहता है। लेकिन इतना अहंकारी आदमी हमसे करस जल्दी भाग जाओ यहां से, हम राज दरबार में नहीं जाते। धर्मराज के लग में भगवान कृष्ण बैठल है। भीम के बतिया सुन के बड़ा जोर खिलखिला के हंस पड़ना। कहेंगे हाँ हाँ तो एकदम 100% सही है बोलत हुआ। भगवान कहेंगे हम ना देखते यहाँ बल्कि कैसे मिल के आये हूँ। एकदम उल्टी बात बोलना है। कैसे मिलल है तो बात आप लोग से बताई देली। वहां जाके कहत बना की साष्टांग दंडवत कैली। एक पैर पर खड़ा होके कहली। भगवान कहें कि सुना धर्मराज जा कौनों तरह से उनके बुला के लिया वा और प्रेम से खियावा तब वे पाप से मुक्ति मिली। केशव कहां युधिष्ठिर जाओ आवे जैसे लिया के आवे। से बनवाओ ताज धर धर्मराज दिल्ली से काशी कैले पयनवाना। भाई साहब यही दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है उस समय हस्तिनापुर था। भगवान कृष्ण का आदेश मानकर धर्मराज ताज उतार कर रख देते हैं और संत स्वपज को लेने बनारस पहुंचते हैं। बनारस आइले तो उनसे भी मुलाकात लहरतारे में भइल। लहरतारा में सुपज भेटैले लिया के धर्मराज तब पहुंचते है साष्टांग दंडवत कैले। वही तरह राखी टार के दाना बिनत रहले। हाथ जोड़ के कहले एक पैर पे खड़ा होके महाराज इदास हस्तिनापुर से चलकर आपका दर्शन करने आया। आपका दर्शन अपने पूरे परिवार के साथ अपनी कुटिया में चाहता है। धर्मराज नाम रहलना बड़ा विनम्र स्वभाव रहल। धर्म का अवतार मानल जात रहने। संत सुबद उनके स्वभाव से बड़ा प्लीज भैले। कहने की मैं अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। अजब लिया के गए दिव्यासन लगल। दिव्यासन पे बिठा के
चुन चुन के द्रौपदी 56 प्रकार के व्यंजन बनौली और सोने के थाल में व्यंजन परस के जब इनके सामने आयल तो इनके खाए का तरीका का रहल कि हाँ के तीन कवर जब देखा हमरे आपके सामने अगर कई आइटम आ जाए। आजकल ब्याह शादी में पचमेल सतमेल चला तो मिठाई देखते मुंह में पानी आ जाला। ये सोचे पड़ाला कि पहले कौने के लोकी है, छेनवा वाली के लेंगी करियाई के लेंगी है। अरे मरदवा गुल जामुन की करियाई के हम इनके ध्यान दूसरी ओर चल जाता। तो देख पड़ाला बारी बारी से तई स्वाद नहीं कौन कैसन है। अब वहां पूरे भोजन के 56 प्रकार के व्यंजन के मरने के एकदम भरता बना लेने सौन देने एक में। लेकिन हंसे वाली बात ना हो गुने वाली बात है। जो जितेंद्रीय हो गया जिसने ज्ञानेंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया उसे रसास्वादन से क्या लेना देना। उससे तो सूखी रोटी में भी वही आनंद मिलेगा जो नाना तरह के पकवान में मिलता हो। पूरे खाना के एकदम मरने जे हौण के धैन उलें एक कमे हल कहके कहने का अरे हौण के तीन कवर जब खई घंटा बजल तीन बेर तबले घंटा बजल तीन बेर तबले द्रौपदी मरली में हनुमान देखत रही कहने की ओफो सारी मेहनत डांड हो गई। आखिर डोमेग जात ना कबो आंखी देखले हो तब ने खाए कैसे खाया हुआ बात ना भैया ताना मारो थी मन में ई डोम के जात कबो आंखी देखले ही ना हो ऐसा खाना तो खाए कहां ले आई। चुन चुन के कैली पकवान नीचे कुल दिया एक में सान अंत की गति संत गए जान अंत की गति संत गए जान अंत की गति संत गए जान। सबके एक स्वर से प्रणाम बा। मन में ताना मरली कि चुन चुन के कैली पकवान नीचे कुल दिया एक में शान अंत की गति संत गए जान रूठ के चले स्वपज द्रौपदी के नाव किलल ऐठनवान। इतना कचा का ताना मर ली कि भोजन छोड़ के चल देना। भगवान कृष्ण कहने की तोरे गोल में धर्मराज से कहने कि तोरे गोल में दुई ठे ऐसन बाण है एको काम बने ननाद है। एक ठे है मोटकी बुद्धि वाला भीम आ एक ठे द्रौपदी। मैं तुम्हारे लोग कहां कहां हम संभारी। एक काम करा कौनो तरह से संत के प्रेम से खिलावा पिलावा तब भाई घंटा बजी और मुक्त होबा लोग नहीं तो ऐसा ही जिंदगी भर सपना देखते रहबा। देखे गाना के यहाँ आखिरी भावा संत सुबह लगने सोचे कि इतना रक्तपात भयल महाभारत के लड़ाई में लेकिन एक रंगठन आज तक ढील ना भयल। टेलीविजन पे आप लोग देखल ना खिड़की के बैठ पास बैठ के कितना कचाका ताना मरले रही दुर्योधन की कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है। हालांकि मरद रहल बात तो के लग गई ये कोई जरूरी थोड़े है कि अंधे का बेटा अंधा हो। गाना के आखिरी भावा जाके पैर पर गिर गए धर्मराज संत समझ के लेकिन पंधारी ददा वाली तर्ज हो पब्लिक के मौज में एक आग लाइन पंधारी दादा छोड़ दें। एक आग लाइन छोड़े जब आदमी कहे दादा एक लाइन और हो जाए तो एक लाइन और छोड़ दें। लेकिन कैसे छोड़े अरे नदिया के तिरवा नर पाती नदिया के तिरवा अनार पाती कौन झगड़ा लगवली भतार काटी पब्लिक में से एक आग जानी आवाज दे दें कि दादा यही के लाइन जोड़ रखे और फिट कर दा तुरंत नहीं बस फिट कर दें कि नदिया के तीरों चरे लसियरा
अरे बिना रगरे न छोड़ब तोहार जियरा। ई पंधारी दादा का लाइन था, आप लोग के मौज बदले, लेकिन गाना का आखिरी भाव पर गौर करी है कि महल में द्रौपदी बाबू, महल में द्रौपदी भैया, महल में द्रौपदी मरली माँ के पर में हो नवा, महल में द्रौपदी महल में द्रौपदी। परमहंस अविनाशी को बोली कुवा के पंचाली, केशव कहे युधिष्ठिर से लौटा लिया वहाली, नहीं तो फिर देखबा सब नवा, महल में द्रौपदी। सुपत सुदर्शन के चरणों पे गिरे युधिष्ठिर जाई, सत्य में धीरज विचार कर दयाली अपनाई, कृतार्थ कैदा भवनवा, महल में द्रौपदी। कच्छ दे पैर पे धर्मराज जाके गिर गए संत सुपत के, कहे महाराज औरत से गलती हो गई, क्षमा कीजिए और चलकर भोजन कर लीजिए। उनका ऐसा व्यवहार रहे कि लौटा लिए ने प्रेम से। फिर दिव्यासन लगल, तो दिव्यासन पे बिठा के सोने के थाल में 56 प्रकार के व्यंजन परस के आयल, लेकिन खाए का तरीका इनकर फिर पहले ही जैसन बा। सुपज पुनः पहले जैसे पकवान एक में साना, सदगुरु बंदी छोड़ सुमिर के खाए लगले खाना, घंटा बाजल समनवा, महल में द्रौपदी। भोजन करते घंटा ठंट नाई लगल, पाप गटा पांचो पांडव के धन धन सुपज सुजा, जय जय कार मच गया जग में, सुर चढ़ गगन विमान, बरसावे लगल सुमानवा, महल में द्रौपदी। बड़ी ऊंची बात आखिरी लाइन में कहना हो कि लखे अलख रहबर किसान सो साधक सिद्ध कहाई, जिस मालिक को हम आप देख नहीं पाते, जो अलख निरंजन है, उसकी शान को उसकी मर्यादा को जो परख ले, वही सबसे बड़ा साधक है। लखे अलख रहबर किसान सो साधक सिद्ध कहाई, ओम आत्मा मंदिर स्वासा ईश्वर मन सेवकाई, यह है मुक्ति के खजनवा, महल में द्रौपदी। कर्म कमंडल कहत सुनत बर कोई कोई जन अजमावे, सार शब्द टक सार जगत बकुला से हंस बनावे, अब बतवली तैसन खेला पहुंचे, ई विहंगम मार्ग सदगुरु से मंगल लेला, बतवली तैसन खेला। स्वामी से नाम बिहारी रमन गे सुरधाम, हीरा शिवनाथ भजे सदगुरु के आठ्याम।